हांगकांग में चीन का नया सुरक्षा कानून पास हो गया है और लागू कर दिया गया है। इसी बीच चीन समर्थक लोगों ने हांगकांग की सड़कों पर कानून के समर्थन में रैली निकाली और चीन का राष्ट्रगान गाया। हांगकांग के कई इलाकों में कानून के विरोध में भी प्रदर्शन हुए। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में 4 पुलिस अधिकारियों पर आरोप दर्ज हुए हैं। इन सभी की पेशी मिनियापोलिस कोर्ट में हुई। इन सभी को पुलिस सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद पूरी दुनिया में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हुए थे। अमेरिका के एरिजोना में कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। एरिजोना के मेयर ने इसकी घोषणा की। बीते 24 घंटों में मिले 3,800 से ज्यादा नए मामलों के साथ कोरोना के कुल मामले 74,000 की संख्या को पार कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में तेजी से कोरोना के नए मामले मिलने के बाद प्रशासन ने मेलबोर्न में दोबारा से लॉकडाउन लागू कर दिया है। ये लॉकडाउन 29 जुलाई तक जारी रहेगा। इसी बीच दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,04,00,000 से ज्यादा हो गई है। साथ ही 5,09,000 से ज्यादा लोगों की इससे जान गई है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा नए मामले अमेरिका, ब्राजील, रूस से सामने आए हैं। कोरोना के कारण हुए नुकसान से उबरने के लिए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए $17 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। साथ ही कोरोना जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए 40 नए अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। यूरोपीय संघ सभी सदस्य देशों में पर्यटन खोलने पर विचार कर रहा है, जिसके लिए सुरक्षित देशों की सूची तैयार की जा रही है। सूची में अगले कुछ महीनों के लिए अमेरिका को बाहर रखा जाएगा। अर्जेंटीना के विंटर सीजन में कोरोना के कारण पर्यटन क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। अर्जेंटीना के वर्ल्ड फेमस स्की रिजॉर्ट्स इन दिनों खाली पड़े हुए हैं। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दोबारा लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सबसे बड़ी झील सॉल्टन सी के पास के जंगलों में लगी आग ने रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस आग से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 40 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। और बीते साल उड़ान से हटाए गए बोइंग के 737 मैक्स विमान के अमेरिका के सिएटल में फिर से सर्टिफिकेशन टेस्टिंग की जा रही है। ये विमान दो बड़े हादसों का शिकार हुआ था।